हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो दो कार्ड दिख रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, उन दोनों तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको सुनना बहुत जरूरी है फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, तो जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है उसको ध्यान में रखिएगा, दोनों ही कार्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम साईं बाबा के कार्ड्स के जरिए ही देखेंगे कि अभी आपके लिए क्या जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी पहले नंबर के कार्ड को चुना है, ये जानने के लिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आप आदित्य हो, रंज और आनंद, उदासी खुशी एक ही जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप ब्रह्मांड हैं। ठीक है, पवित्र पुस्तकें पढ़ें भी और साथ में जो पुस्तकों में लिखा है उसे अपने जीवन में उतारें, तभी आपको वहां से लाभ होगा। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जरूरी नहीं है कि आप की लाइफ में कुछ ऐसा समय आए जब आपको लगे किसी ने आपको हर्ट कर दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आप जो चाह रहे थे वो आप कर नहीं पाए तो आप वहीं ठहर जाएं और वहीं बैठ के बस सोचते रह जाएं। ऐसा नहीं है, आपको उस बात से भी कोई शिक्षा ग्रहण करनी है, फिर ऊंची उड़ान भरिए, यानी कि लाइफ में कभी आपको रुकना नहीं है। अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाए। अपनी लाइफ की परेशानियों के बारे में इतना भी ना सोचें कि वो चीजें आपके जीवन में हमेशा रहें। ठीक है, उसको इग्नोर कीजिए। सपने, वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया आपके लिए। नीचे ओम साई राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा, तो बहुत जल्दी साईं बाबा आपको दर्शन देंगे आपके सपनों में आके। वाओ, गुड न्यूज का कार्ड आपके लिए आ गया है, विपुलता। जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। आप पता नहीं क्यों इतना परेशान रहते हैं। फिर 3C, कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को, चिंताओं को छांटे और निर्मलन शुद्ध कीजिए। ठीक है, जीवन में हमेशा क्लियर रहिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। माध्यम, मैं आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो साईं बाबा आपको माध्यम बनाते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो जब भी किसी की सहायता करने का मौका मिले ना, बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, कार्य में लग जाइए। ठीक है, आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए, आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। तो ये कार्ड सबसे अच्छा आपके लिए आ गया है, क्योंकि इस कार्ड से हमें ये पता चल रहा है कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है। जो कार्ड्स मैंने बनाए बहुत सारे आ गए, इतने सारे हमको नहीं चाहिए, हमें कुछ ही कार्ड्स देखना है। ये कार्ड्स आपको मोटिवेट करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, मुंह को कहाँ ढूंढे थे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो ये कार्ड जो आया था ना आपके लिए कि आप अकेले नहीं है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, तो ये कार्ड इसलिए आया था आपके लिए। जीना क्या जीवन से हार के, तो ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। खोजी हूँ तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहते कभी सुन भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो ये कार्ड आप समझ रहे हैं ना, हमेशा आता है। और आप मेरे जो व्यूवर्स है ना, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। इसका मतलब ये जरूर मुझे लग रहा है आजकल की कार्ड क्यों आ रहा बार बार, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप लगता है आप सोचते हैं कि आप यहाँ जाएं वहां जाएं तब आपको ईश्वर मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता है, हर इंसान ने किया है, तो हर इंसान को करना पड़ता है ये चीज। जरूरी नहीं है कि आप सोचे हर वक्त की चीजें आपके हिसाब से हो, कुछ चीजें ईश्वर की मर्जी से होती हैं। वैसे हर चीज ईश्वर की मर्जी से ही होती है। ठीक है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, जो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, परेशानी किस बात की। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर के कार्ड को चुना है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आते हैं साईं बाबा के संदेश से। उन्हीं के ओम साई राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलिए अब देख लेते हैं हम क्या कार्ड्स आपके लिए हैं। तीन मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट आएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। धुनि, अपनी चिंता, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, दर्द सब कुछ बाबा की धुनी में जला दें, ठीक है। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं सदा आपको अपने कार्य का माध्यम बनाता हूँ, यानी कभी किसी भी की सहायता करने का मौका मिले ना तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, ये समझ लीजिएगा कि ईश्वर ने, साईं बाबा ने आपको चुना है किसी की सहायता करने के लिए, ठीक है, आप माध्यम बनते हैं, कितनी कृपा है आपके ऊपर ईश्वर की। भरोसा और आस्था, आपकी भय तथा चिंता से मजबूत आपकी आस्था हो, ठीक है, आपकी आस्था की आस्था जो होती है ना उसकी उसकी टेस्ट हमेशा होगा, उसका टेस्ट तो लिया ही जाएगा देखने के लिए कि आप बस ऊपर ऊपर वाले भक्त हैं या आप सच में आप बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है, इसलिए भरोसा हमेशा मजबूत होना चाहिए ईश्वर के प्रति। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है, ये जो कार्ड है ना और ये जो कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड साथ में आया है, यानी कि आप जो कर रहे हैं सब कुछ आप आज कर रहे हैं, कल आपका भविष्य वही सब कुछ लेके आएगा, आप अच्छा कर रहे हैं अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं बुरा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आत्मा का सफर, मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा लेकिन आपको चलना रास्ते पे अकेले ही है, ठीक है, रास्ता तो दिख जाएगा आपको लेकिन उस रास्ते का जो भी कुछ होगा वो सब कुछ आपको अकेले ही तय करना होगा, हर इंसान तय करता है, आपको भी करना होगा। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए अपनी अभिलाषित कहानी को, ठीक है। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति का सामना करने दीजिए। दैवीय एकरूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हैं, हमारा आत्म परस्पर संबंध है। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी, जल्दी सबक सीख लें, अपनी भी जो भी समस्या हो रही है उससे। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए, ठीक है। श्रद्धा और सब्र, बहुत बड़ी बात होती है, इसको आप सीखें, अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है तो इसको जरूर सीखें, सब्र होना बहुत जरूरी है। आइए अब आप देखते हैं आपके लिए क्या संदेश हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से मगर सभी को शिकायत हवा से होती है, आपका असली मुकाबला केवल आपसे है। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला जरूर रखना कि जिंदगी दिन बुरा है जिंदगी नहीं, ठीक है। खोजी हूँ तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहित भाई सुन भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, ये कार्ड्स ना रोज ही आ रहा है, हमेशा आ रहा है, जब भी मैं इस कार्ड्स को निकालती हूँ तो ये जरूर आता है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, ठीक है, अभी आपने जो भी कुछ हासिल किया है ना वो तो कुछ नहीं है। जिंदगी में क्या भरोसा करते हो गैरों के पैरों पर, क्यों भरोसा करते हो गैरों के पैरों पर जब चलना है अपने ही पैरों पर, ठीक है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे संदेश थे, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इनके लिए, और जाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई विश है, आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं। साईं बाबा के कार्ड्स आप सबको बहुत पसंद है इसलिए मैंने सोचा चलिए आज आपके लिए देखते हैं क्या संदेश है। अभी जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है आप चाहें तो इन संदेश से जो भी गाइडेंस आपको मिला है आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी लेकिन अगर आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो प्लीज़ आप उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।